Now we are going to start exercise 2.1 and it is the question first. Question first क्या है? Which of the following expressions are polynomials in one variable and which are not? State reason your answer. हमें reason देना है कि कौन सा polynomial है कौन सा नहीं है. तो देखिए जो भी आपका variable है उस पर जो भी power होनी चाहिए वो power whole number में होनी चाहिए. होल नंबर मीन्स आपकी पावर जो है एक्स टू दी पावर 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन ये पावर होना चाहिए होल नंबर. अगर ये नहीं है तो पॉलिनोमियल नहीं होगा. ठीक है देखते हैं क्लियर. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 4x² - 3x + 7. ओके यहां पे एक्स की पावर 2 है और यहां पे एक्स की पावर 1 है तो ये तो होल नंबर में. ओके तो क्या लिखेंगे फर्स्ट का सॉल्यूशन हम? ओके क्या लिखते हैं? द एक्सपोनेंट्स इज 2 and 1. ओके विच इज होल नंबर. ओके विच इज होल नंबर. ओके अब देखते हैं यहां पे भी x वेरिएबल है और यहां पे भी x ओनली वन वेरिएबल है. सो क्या लिखेंगे? सो अबव एक्सप्रेशन इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल. सो क्या लिखेंगे? अबव एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल. इन वन वेरिएबल. ओके तो ये आपका आंसर हो जाएगा. देखिए जो एक्सपोनेंट्स है मींस एक्स की पावर वो 2 है विच इज होल नंबर. सो अबव एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल. ओके एनी डाउट? सो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड. यहां पे क्या है? y² + √2. देखिए y पे क्या पावर है? 2 जो कि होल नंबर है. तो क्लियरली इसका भी आंसर क्या लिखेंगे हम? कि द एक्सपोनेंट इज 2 विच इज यहां पे फिर ओनली 2 आएगा. अगर हम 2 का सॉल्व देखें तो यहां पे क्या आएगा? ओनली 2 आएगा विच इज होल नंबर. सो अबव एक्सप्रेशन इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल क्योंकि इसमें भी वन वेरिएबल है. अब देखते हैं नंबर थर्ड. नंबर थर्ड क्या है? नंबर थर्ड है आपका y³√2 + t√2. अगर हम t पे पावर देखें तो √2 है मींस t पे 1/2 की पावर है. सो एक्सपोनेंट इज 1/2 एंड विच इज नॉट होल नंबर. ओके क्योंकि 1/2 होल नंबर तो ही नहीं है. सो अबव एक्सप्रेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल. तो ये थर्ड का आंसर हो जाएगा. हमने एक ही आंसर में आपके फिट कर दिए. नंबर फोर देखते हैं अगेन. y + 2/y. नंबर फोर क्या है? y + 2/y. अब देखिए 2/y मींस y ऊपर जाएगा तो माइनस पावर हो जाएगी तो 2y - 1. अब सो द एक्सपोनेंट इज -1. ओके विच इज नॉट होल नंबर. सो अबव एक्सप्रेशन इज नॉट पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल. ओके अब देखते हैं नंबर फिफ्थ. देखा हमने इधर पे कि x²√10 + y²√10 + t²√50. ये पावर तो होल नंबर है तो एक्सपोनेंट इज 10, 3 and 50 विच इज होल नंबर. बट यहां पे 3 वेरिएबल हैं. क्या है ये? एक्स एक वेरिएबल है, वाई दूसरा वेरिएबल है, टी तीसरा वेरिएबल है. सो ये जो एक्सप्रेशन है वो वन वेरिएबल का नहीं होगा. सो अबव एक्सप्रेशन इज नॉट पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल. तो इस टाइप से आपका ये क्वेश्चन फर्स्ट जो है वो हम सॉल्व कर सकते हैं. तो उसमें केवल ये बताना था
कि कौन सा हमारा पॉलिनोमियल है और कौन सा हमारा पॉलिनोमियल नहीं है, वो भी वन वेरिएबल वाला। ओके, तो हम इसके बाद जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ।